देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पेटिशनर्स थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नीति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया, लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभय सिंह। शिक्षा विभाग के द्वारा जो ट्रांसफर पोस्टिंग का नीति लाया गया था, जिसको लेकर अब शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा अपडेट दिया गया है और साफ तौर पर इस पर रोक लगा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? पहले सुनील की बातों को। देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पेटिशनर्स थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नीति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया, लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पेटिशनर्स को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे, लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से ही विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले तो नीति नहीं बनेगी कि अच्छे से बनेंगे, इसमें कुछ चेंजेस लिया। हमने कहा कि ज्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं, या शिक्षकों ने, या पुराने शिक्षकों ने, नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो अब बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, तो वो सब बातें तो रहेंगी ही। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। मंडल को लेकर के जो पुरुष शिक्षक थे वो कहीं नाराज थे, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? वही हमने कहा ना, इन्हीं सब लेकर के कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले, तो हम लोगों ने ऐसा तो नहीं, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षक शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्पररी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है, और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम लोग संशोधन भी करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि किसी तरह की कोई किसी को डिसेटिस्फेक्शन नहीं हो। जी, कल होगा पूरे बिहार में। ये एक तो माननीय मुख्यमंत्री के सर कमलों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा और दूसरा जिलों में होगा। मंत्री महोदय, अभी 2 दिन से आ रहा है कि अगला हुआ था, अब देखिए, जो जो एजेंसी, 1 मिनट, जो एजेंसी उसको कर रही है, तो अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें इंक्वायरी होती है, और अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। अगर अगर कोई वो जब भी पेपर लीक हुआ आनंद किशोर ही थे, आनंद किशोर पर कोई कार्रवाई आप कर रहे हैं क्या? अगर इस तरह की, ऐसा तो नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ है तो सभी के लिए बराबर है, अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई प्रूफ हो कि इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा छानबीन होती है। देखिए, उस जो भी जब भी कोई जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है, तो वो सर्टेन रिकमेंडेशन भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। अगर जो अगर नहीं अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती हैं तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करती मंत्री है। महोदय, आपके विभाग में दिया हुआ है, सूचना आयोग से भी कंप्लेन हुआ कि गलत बहाली हुई है और वीडियो भी वहां से रिपोर्ट किया जाना रहा कि गलत बहाली हुई है। देखिए, जो अगर कहीं पर निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जो उचित कार्रवाई हो होगी, आपको भी इसके बारे में हम बता देंगे। ट्रांसफर नीति का जहां तक प्रश्न है, हमने कहा ना, चूंकि कई संस्थाओं ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ अपने बातों को रखा और कहा कि जो ये नीति है इसमें कुछ और चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ उसमें व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, कुछ बातें उनकी सही लगी हम लोगों की, उसके
इसलिए हम लोग पुनः उनसे विचार विचार करके और पुनः इसको और लाएंगे सभी के सामने, और ये निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में होगा। नहीं तो इसीलिए वो सब व्यवहारिक कठिनाइयां जो हमने कहा कि कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उन सबको हम लोग दूर करेंगे। वो जब ये हमने शुरू में ही कहा कि जब पांचों सक्षमता जो उनको चांस दिया जाएगा उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ को आप मौका देते हैं, जो लोग जैसे कि कल नियुक्तियाँ होंगी तो कुछ तो शेष रह जाएंगे, तो उनका जो उनकी जो मांगे हैं हो सकता है कि वो उसमें खत्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किए हैं, क्योंकि सभी तो एक ही तरह के सक्षमता टेस्ट पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक होंगे। सवाल है सर यहाँ पर कि यदि 5 से 12 सक्षमता परीक्षा है वो पास करने वालों का? जी जी सक्षमता वाले सभी तरह के हैं, सफल हुए तो उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है, कुछ के सर्टिफिकेट्स में कमी थी, कुछ में और थे, जो पूरी तरह से काउंसलिंग के बाद सीख पाए गए हैं तो उनको और मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपना, फिर उनको भी हम लोग नियुक्त करेंगे जो सही पाए जाएंगे। फिलहाल रहेंगे, लेकिन आगे चल के जो नीति बनेगी जो उसमें जो संशोधन होगा तो उसके अनुसार उनको उसमें उनके अनुसार उनको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी तो अधीन है आप। आप तो नए सिरे से ना नियुक्ति हो रही है तो जहाँ तक इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तत्काल इस पर नहीं है क्योंकि सभी को एक साथ मौका मिला है, तो जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो उस दिन से ही काम होगा। शिक्षक है वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो उनके साथ क्या होगा? देखिए उसके लिए जो जिन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, दो तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं तो उसके लिए अलग से कमिटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें निर्णय। जी नहीं, जो आप पहली बार आप तो सरकारी सेवक हुए हैं ना, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं, और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे और उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे लगन के साथ और मनो बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशन हैं, हम लोग तत्काल 1,14,000 कुछ है। जिन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है क्या उससे किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी? अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं है, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब पूरे खत्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था आपके पत्रकार का, दूसरे पत्रकार बंधु का, कि अगर कोई नहीं देता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक कमेटी बना ली थी, उसके बारे में हम लोग अलग से नहीं। अब देखिए किसी को कोई अपना, हम लोगों ने तो हर तरीके से सभी बातों को रख के सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उनको तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे ही, आंदोलन के लिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जी तो आपने सुना शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जिस तरह से कई संगठनों के द्वारा इसका जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नीति लाया गया था शिक्षा विभाग में, इसके विरोध किए जा रहे थे, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी इस पर स्टे लगाया गया था क्योंकि औरंगाबाद में एक जो पिटीशन है वो दायर किया गया था जिसके बाद उस पर स्टे लगाया गया। अब शिक्षा विभाग ने भी पूरी तरह से जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो नीति लाया गया उस पर स्टे लगा दिया गया। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना? तमाम पर न्यूज़ के साथ नमस्कार।